दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों अक्सर हम सेट टॉप बॉक्स के पीछे की तरफ या फिर सेट टॉप बॉक्स के सामने की तरफ इस तरीके का यूएसबी पोर्ट देखते हैं, और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया होगा पेन ड्राइव लगा के इस पोर्ट में मूवीज़ वगैरह प्ले करने की, लेकिन जब लास्ट में कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है तो हमारे मन में सवाल आता है कि ये जो पोर्ट सेट टॉप बॉक्स में दिया होता है इसका क्या यूज़ होता है या फिर हम किस तरीके से इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको इस यूएसबी पोर्ट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस पोर्ट का यूज बताऊं, इसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सेट टॉप बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मार्केट में सेट टॉप बॉक्स लेने जाएंगे तो आपको जनरली दो तरीके के सेट टॉप बॉक्स मिलेंगे। जो पहला है वो है FTA सेट टॉप बॉक्स, यानी कि फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स, और जो दूसरे तरीके के सेट टॉप बॉक्स होते हैं वो इस तरीके के ऑपरेटर्स के सेट टॉप बॉक्स होते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पे डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, हो सकता है आपके पास में एयरटेल या फिर किसी और ऑपरेटर का सेट टॉप बॉक्स हो। अब जो फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उन फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स में हम फ्री चैनल्स प्ले करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेट टॉप बॉक्स में हमारे सारे पेड चैनल चल सकते हैं, और इसी वजह से जो ऑपरेटर्स होते हैं इन सेट टॉप बॉक्स में काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, और यही वजह है कि जब आप पेन ड्राइव इस पोर्ट में कनेक्ट करते हो तो आपको सेट टॉप बॉक्स में कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। और अगर आप कभी सोचते भी हो कि मैं इस पोर्ट का यूज़ करके पेन ड्राइव से मूवी वगैरह प्ले कर लूँ, तो उस केस में मूवीज़ वगैरह प्ले होती नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि ये जो पोर्ट दिया होता है सेट टॉप बॉक्स में ये मेनली क्यों दिया होता है और आप किस तरीके से इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो सबसे पहला यूज़ है इस यूएसबी पोर्ट का वो ये है कि अगर आपका सेट टॉप बॉक्स रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को सपोर्ट करता है तो आप इस पोर्ट में पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप अपने कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक बार कंटेंट रिकॉर्ड हो जाए तो आप उसको इसी सेट टॉप बॉक्स में लगा के कभी भी प्ले कर सकते हैं। ये सबसे पहला यूज़ था इस यूएसबी पोर्ट का। अब यहाँ पे जो दूसरा यूज़ है वो ये है कि अगर आपका सेट टॉप बॉक्स वाईफाई सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे एक वाईफाई डोंगल कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सेट टॉप बॉक्स तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर पाएंगे। और जब आप एक बार सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप सेट टॉप बॉक्स का यूज़ करके आप VOD कंटेंट्स को प्ले कर पाएंगे। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में यूट्यूब एप्लीकेशन है तो आप यूट्यूब भी चला पाएंगे। अब जनरली इस तरीके का जो मैं आपको फीचर बता रहा हूँ मैंने किसी भी ऑपरेटर के सेट टॉप बॉक्स में नहीं देखा है अभी तक। इस तरीके का जो फीचर है वो जनरली हमको फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स में ही मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा यूज़ है इस यूएसबी पोर्ट का वो ये है कि अगर कभी सेट टॉप बॉक्स में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस यूएसबी पोर्ट का यूज़ करके इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हो। जनरली सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए OTA अपडेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारा सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट होता है और जब ऑपरेटर अपने एंड से OTA अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट देता है तो हमारा सेट टॉप बॉक्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को ले लेता है। लेकिन अगर कभी सेट टॉप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इश्यूज आ गए हैं और सेट टॉप बॉक्स सॉफ्टवेयर नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करके इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट करके फोर्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो यूज़ है ये आप दोनों ही केस में कर सकते हो, चाहे आपके पास में फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स हो, चाहे आपके पास में इस तरीके का ऑपरेटर का सेट टॉप बॉक्स हो। अब यहाँ पे जो चौथा यूज़ है वो ये है कि अगर कभी आपके फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा है तो आप इस पोर्ट को एज अ चार्जिंग सोर्स यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरीके से आपको हमेशा फ़ोन चार्ज करने के लिए इस पोर्ट से। रीज़न ये है कि ये जो पोर्ट है यहाँ से आपको 5.3 वोल्टेज मिलता है, और हो सकता है कि आपके फ़ोन का जो अडैप्टर हो उसमें कुछ अलग तरीके का वोल्टेज हो। लेकिन अगर आपको कभी इमरजेंसी है तो आप डेफिनेटली इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अब हमने से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं इस पोर्ट का इस्तेमाल करके अपने पेन ड्राइव में रखी हुई मूवीज़ को या फिर फोटोज़ को देख सकता हूँ या फिर प्ले कर सकता हूँ क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में कोई भी ऑपरेटर का सेट टॉप बॉक्स है तो उसमें आप अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट करके मूवीज़ को प्ले नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई FTA बॉक्स है या फिर कोई आपके पास एंड्रॉयड बॉक्स है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट करके मूवीज़ को प्ले कर सकते हो, और आप चाहो तो फोटोज़ को भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी सेट टॉप बॉक्स के यूएसबी पोर्ट की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आया होगा कि सेट टॉप बॉक्स में दिए हुए यूएसबी पोर्ट का क्या यूज़ होता है और आप किस तरीके से इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं अक्सर बनाता रहता हूँ।